हेलो एवरीवन, वेलकम टू कालखंड YT। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं आप अपने फ़ोन से कैसे आसानी से PDF बना सकते हैं। दोस्तों, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट जो अभी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और घर से ही पढ़ रहे हैं, तो ऐसे में जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स और जो भी लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं उन्हें PDF बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए जानते हैं कि फ़ोन से कैसे आप आसानी से PDF बना सकेंगे। तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में गूगल ड्राइव ऐप इंस्टॉल करना होगा। दोस्तों, ये वाला ऐप जो है आजकल लगभग सभी फ़ोन में प्री इंस्टॉल आता है, लेकिन अगर आपके फ़ोन में नहीं है तो आप जो इसे प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको गूगल ड्राइव ऐप ओपन करना है। इसके बाद जो है यहाँ पर आपको एक प्लस का साइन मिल जाएगा, इस प्लस वाले साइन पर आपको टच करना है। दोस्तों, प्लस वाले साइन पर टच करने के बाद यहाँ पर आपको 6 ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें एक स्कैन भी ऑप्शन है, तो इस वाले ऑप्शन पे आपको टच करना है। स्कैन पे टच करने के बाद आपको जिस भी पेज का PDF बनाना है तो सबसे पहले उस पेज की तस्वीर आपको ले लेनी है। जैसे कि मुझे इस पेज का अगर बनाना है तो मैं यहाँ पे इस पेज का तस्वीर ले लेता हूँ। दोस्तों, मैंने यहाँ पे इसकी तस्वीर ले ली है। अब मुझे यहाँ पे सही पे टच करना है। सही पे टच करने के बाद ये कुछ इस तरीके से स्कैन हो जाता है। इसके बाद आपको कोई और पेज अगर ऐड करना है, जैसे मुझे कोई दूसरा पेज ऐड करना है, तो आपको यहाँ पे एक प्लस साइन दिख जाएगा। प्लस वाले साइन पे टच करने के बाद यहाँ पे आपको दूसरे पेज का जो यहाँ पे फ़ोटो ले लेना है, जिस भी पेज को आप ऐड करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे दूसरे पेज का भी फ़ोटो ले लेता हूँ। अब मुझे जो यहाँ पर फिर से वापस से सही करना है। दोस्तों, वापस से सही करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ ये दोनों पेज जो अभी ऐड हो चुका है। अब मुझे जैसे PDF में सेव करना है तो यहाँ पे मुझे सही का ऑप्शन पे टच करना है। सही के ऑप्शन पे टच करने के बाद आप इसे जो है यहाँ पे आपको फोल्डर का लोकेशन मिल जाता है, आप जहाँ पे सेव करना चाहते हैं। ऊपर में जो आपको जिस नाम से सेव करना है तो आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। तो आई होप कि गाइस ये वीडियो आपको पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।